क्या स्टोरी लेकर आप लोगों के बीच लेकर आएंगे? मेरी जो आने वाली फिल्म है उसका टाइटल है प्यार का रिश्कनामा। टाइटल से ही आप लोग समझ गए होंगे कि प्यार में रिस्क तो होता ही है। इसी तरह से हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कॉमेडी और लव स्टोरी है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आप प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसके आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग सोचते भी नहीं हैं। तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसी तरह की उसमें एक कॉमिक हमने। तो क्या इस फिल्म में भी योगिता जी अपने प्रोड्यूसर और उसके साथ ही एक्टिंग करती हुई नजर आएंगे? जी कोशिश तो है क्योंकि प्रोड्यूस तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में एज एन एक्ट्रेस तो मेरे को इस्टेब्लिश होना है। तो उसके लिए तीन हीरोइन की कहानी है जिसमें से एक मैं भी कर रही हूँ। डायरेक्टर मिस्टर अमन खान हैं अभी और करमवीर जी सर हैं वो भी हमारे साथ में। चौधरी साहब हमारे इस मूवी में बहुत अच्छा और एक हैवी करेक्टर प्ले कर रहे हैं। अमन जी कितनी खुशी है कि एक फिल्म आपकी रिलीज हो रही है और दूसरी फिल्म की मुहूर्त हो रहा है, तो कितनी खुशी है इस फिल्म की और इस फिल्म को कब तक फ्लोर पे ले जाने की आपकी तैयारी होगी और इसकी शूटिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? मैडम सबसे पहले तो मैं योगिता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इसमें एक बार फिर चांस मिल रहा है और प्रयास करूँगा कि अच्छे से अच्छा काम करूँ और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो इसको फ्लोर पर लेके जाएँ। और टीम पहले जो हमने हमारे पास में अच्छी जो टीम थी उसी तरीके से इस बार भी हम चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छी टीम ले, अच्छे लोगों को चांस मिले। कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं न्यू आर्टिस्ट होते हैं तो हम लोग प्रयास यही करेंगे कि भी कुछ जो पुराने जो आर्टिस्ट उनके हिसाब में न्यू आर्टिस्ट भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, तो प्रयास ये रहेगा। शूटिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? जून या फिर जुलाई में हम लोग जो जुलाई में हम लोग चाह रहे हैं कि उसको स्टार्ट करें। पूरी तैयारी तो वैसी है। आप क्या कहना चाहेंगे आज फिल्म की शुभकामनाएं दी जो फिल्म रिलीज होने जा रही है बट अगली फिल्म में आपका भी किरदार होगा, आप उस किरदार के लिए कितने तैयार हैं? हम तो एक्टर लोग हैं और जब डायरेक्टर समझा देता चीज को कि ये ऐसा है आपका करेक्टर का नेचर ये है उसके अनुसार कर लेते हैं। लेकिन टाइटल जो है इस नए प्रोजेक्ट का प्यार का रिश्कनामा ये बड़ा गजब है। तो जिस हिसाब से टाइटल है उसी हिसाब से शायद मेरा करेक्टर भी होगा। मजा लगे करेक्टर करने में, अच्छा लगेगा। खुशी का दिन है कि आज योगिता राठौर जी की फिल्म खेल खल्लास का मुझे लगता है कि एक रिलीजिंग डेट फाइनल हो गई है और दूसरी फिल्म का मुहूर्त कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और बहुत अच्छी फिल्म है खेल खल्लास के बारे में कहा जाए तो युवा लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। और हम हमारी जो कंपनी है एक अनामिका स्टूडियोज़ उसके राकेश जी हैं और फिल्मांकन मिलकर के हमारी दो कंपनी है इस फिल्म को रिलीज़ कर रही है। 31 मई को पूरे देश में हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा में सिनेमाज हम लोग दे रहे हैं जो अच्छे सिनेमा हैं। और उम्मीद है कि ये जो फिल्म है ये ज़बरदस्त चलेगी, युवाओं में तो बहुत अच्छा क्रेज़ होगा इस फिल्म का। और अमन खान जी ने बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है और बहुत ही अच्छी लोकेशंस भी यूज़ किए हैं उसके अंदर। और योगिता राठौर जी जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को बनाया है और फिर से फिल्म बनाने जा रही है। तो ये मैं इस जोड़ी को फिर से हम लोग शुभकामना देते हैं और ये हम लोग ये करते हैं, आशा करते हैं कि खेल खल्लास भी बहुत अच्छी फिल्म चले जो चलेगी निसंदेह और इनकी आने वाली फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म होगी। तो मैं राकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से खेल खलास फिल्म को किस तरह से आप लोगों तक पहुंचाने की आपकी किस तरह की कोशिश होगी और कौन किस किस सिनेमा घरों को आपका टारगेट होगा कि लोगों तक ये फिल्म पहुंच पाए? ठीक है, पहले तो फिर शुभकामनाएं फिल्म के लिए, फिल्म की सारी टेक्नीशियन टीम को लिए, विशेषकर योगिता जी के लिए। चूँकि हमारा जो शुरू से मिशन रहा है और जो विज़न रहा है वो ये रहा है कि जो नए प्रोड्यूसर आते हैं और नए आर्टिस्ट जो फिल्म बनाते हैं या जो नए आर्टिस्ट काम करते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है।
तो हमने जो अपनी कंपनी के थ्रू जो काम किए हैं अभी तक, जिसमें हमने लगातार पिछले 4 से 5 सालों से लगातार फिल्में रिलीज़ की हैं, जिनमें बड़ी फिल्में भी रही हैं और छोटी फिल्में रही हैं, और सबों ने अच्छा बिजनेस किया। जहाँ तक प्रश्न आपका है कि हम सिनेमा कौन सा देंगे, तो चूंकि ये फिल्म जो है जिस जॉनर के लिए हमारे पास जो हमने डिसाइड किया है, वो ऐसे सिनेमा हम चूज़ कर रहे हैं जो बेहतर हों, जहाँ से अच्छा कमाई हो सके और वापस प्रोड्यूसर जो है फिल्में बना सके। फिर मेरी शुभकामनाएं आपको युक्ता जी, आप फिल्म बनाते रहिए और हम उसको रिलीज़ करते रहें। आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म मुझे अच्छी लगी, और ख़ास तौर से इसका फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, जहां पर एक जोनर कहानी जा रही है, और सेकंड हाफ उससे ज़्यादा बेहतर था। तो दोनों हाफ बेहतर थे, ये नहीं कहूँगा कि आधा अच्छा है आधा बुरा है, लेकिन कहानी दो पार्ट में थी। युक्ता जी बता रहे थे आपकी लाइफ की ऊपर स्टोरी क्या? मेरी कहानी पे मेरी कहानी तो बड़ी ट्रेजेडी वाली, आप जानते हो अच्छी तरह से। फिलहाल फिल्म अच्छी है और आशा करते हैं फिल्म अच्छा चले, अच्छा काम करे और लोग इसे देखें, अप्रिशिएट करें, और फिर हौसला बढ़े प्रोड्यूसर्स का कि वो ऐसी फिल्में और बनाते रहें अच्छी से अच्छी तरह से। कितने स्क्रीन में रिलीज करेंगे इसको? हम लोग इसको 250 से 300 स्क्रीन प्लान कर रहे हैं ऑल इंडिया में। और क्या क्या पहले? देखिए, आज से हमने कार्यक्रम चालू कर दिया है, डिजिटल प्रमोशन चालू हो जाएंगे, फेसबुक से लेके ट्विटर पे इसके प्रमोशन चालू हो जाएंगे, और कुछ इंटरव्यूज़ हैं डीडीज में आते हैं, कुछ जिंगल चलेंगे, जैसा प्लान हम कर रहे हैं इस लेवल पे हम चालू करेंगे इसको, और पोस्टर्स कल या परसों से निकल जाएंगे, थिएटरों में लगना चालू हो जाएंगे। तो जो उसकी फिजिकल प्रमोशन पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोकल लेवल पर, जिससे लोकल वहाँ पे जो दर्शक हो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दें। मेरा नाम कवीना महर्जन, निकनेम रानी, इनस्टेम रानी बोलते। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में, किस तरह का आपका किरदार, और जिस तरह से योगिता जी की दूसरी फिल्म का भी आज मुहूर्त है, क्या शुभकामनाएं होंगी? एक्चुअली मैं शुभकामना देने के लिए आई हूँ, मैं एजुकेस मेरा मूवी एक रिलीज हो गया है जो एक्ट्रेस फोर्स में, और ये खेल खलास मूवी बहुत अच्छी बनी है। योगिता जी ने बहुत मेहनत की है, एक लेडीज एक लड़की ऊपर इतना मतलब प्रोड्यूसर बन हो गई, एकदम प्रोड्यूसर बनना बहुत टफ बात है, बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। अच्छा डायरेक्टर भी बहुत मेहनत किया है, इसका मैं वो ट्रेलर थोड़ा देखा है, आप लोगों ने दिखाया, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत सुपर हिट होगा मेरी तरफ से, एंड बहुत सुपर हिट हो जाए और मेरा शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू आप लोगों को, सब भगवान सब एक साथ मिल के आप लोगों को आशीष मिले। थैंक यू, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली आऊँगी, मैं इसीलिए तो अभी आई ना, मैं आऊँगी शो अभी देखूँगी, फर्स्ट रिलीज में ही आऊँगी। ओके थैंक यू। Oh,